अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तलहा मलिक। आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन कादी आज़म मेडिकल कॉलेज भागलपुर। आज मैं आपको QMC के बारे में सारा गाइड करूंगा कि यहाँ पे हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ, ड्यूज क्या हैं और किस तरह के इन्वायरमेंट है इधर। लेकिन आपको इसके लिए शुरू से लेकर अंत तक सारी वीडियो देखनी होगी। जहाँ तक हिस्ट्री का ताल्लुक है तो QMC वॉज फाउंडेड इन 1971। लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, सर्कुलर रोड पे, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में है। भावलपुर के सारे रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट्स बिल्कुल आपके कॉलेज के करीब हैं। और साथ ये कॉलेज एफिलिएट आपके साथ भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के साथ, जो कि बहुत अच्छा और बहुत जाना पहचाना हॉस्पिटल पूरे लोअर पंजाब में। साथ सिविल हॉस्पिटल भावलपुर में और कार्डियो कॉम्प्लेक्स सेंटर के साथ भी एफिलिएटेड है। बाकी जो प्रोग्राम्स यहाँ ऑफर किए जाते हैं तो यहाँ पे MBBS ऑफर किया जाता है, और साथ पिछले साल से कार्डिक परफ्यूजन के बैचलर्स में 3 सीट्स ओपन मेरिट में आई हैं। और जो MBBS के ओपन मेरिट की सीट्स हैं वो आपके पास 300 प्लस हैं, ओपन मेरिट की 320 तक हो जाती हैं सारी टोटल सीट्स। और फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हॉस्टल फीस और कॉलेज फी का कम्बाइन करके तकरीबन 77 to 79,000 फर्स्ट टाइम आपको पे करना होता है, जिसमें से तकरीबन 35,000 आपके कॉलेज के ड्यूज़ होते हैं और 40,000 आपके हॉस्टल के ड्यूज़ हैं। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या नीडी हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। बीफ की स्कॉलरशिप है, फैम्स है, एहसास स्कॉलरशिप है, इनमें आपको फर्स्ट ईयर से ही अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको टिल द एंड ऑफ योर सेशन फाइनल ईयर तक आपको स्कॉलरशिप्स मिलती रहती हैं। और मेरिट कॉलेज का तकरीबन लास्ट ईयर ये अंडर UHS आता है तो इसका मेरिट था 91.96 था लास्ट ईयर इसका मेरिट। और एकेडमिक्स की जहाँ तक बात की जाए तो प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं हर चीज़ के, हर डिपार्टमेंट में आपका स्टाफ बिल्कुल कंप्लीट है, प्रोफेसर्स अच्छा पढ़ाते हैं बहुत। कुछ प्रोफेसर्स हैं जो डिसिप्लिन के मामले में स्ट्रिक्ट हैं, वो हर कॉलेजेस में ऐसा हो जाता होता है। और जो लेक्चर हॉल हैं यहाँ पे वो एयर कंडीशन है लेक्चर हॉल आपके, और जो एनाटॉमी, फिजियो, जो बायोकेमिकल लेक्चर्स जो होते हैं वो आपके उसी लेक्चर हॉल में होते हैं, और सारे बच्चे इकट्ठे बैठते हैं 300+ स्ट्रेंथ आपकी एक ही लेक्चर हॉल में बैठी होती है। और जो लैब्स हैं आपकी उसके अंदर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका बैचेस में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 100 स्टूडेंट्स का एक बैच होता है, इसमें टोटल 3 बैचेस बन जाते हैं वो लैब्स में होते हैं। और उसके बाद अगर UHS के रिजल्ट है वहाँ रिजल्ट हमेशा इनका सही आता है, यानी पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है आपकी, 90%+ इस दफ़ा रिजल्ट आया है, और पोजिशन भी UHS में इनकी हर दफ़ा किसी न किसी ईयर में आ रही होती है। सोसाइटीज़ कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हैं, एक आर्ट्स एंड फोटोग्राफिक सोसाइटी से कैप्स कहते हैं, कायदेंस आर्ट एंड फोटोग्राफी सोसाइटी, इस तरह ड्रामेटिक्स और डांसिंग सोसाइटी है, सिक्योरिटी कैम्प्स है, और इसी तरह एक IMS है सोसाइटी जो कि इकरा मेडिकल सोसाइटी है, ये सोशल वेलफेयर फंड रेजिंग के लिए काम करती है। और इसी तरह IFMS है इंटरनेशनल फेडरेशन मेडिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंटरनेशनल सोसाइटी है, इसका सोशल वेलफेयर से काम रिलेटेड आपका। और सिंक है जो आपको पता है सब कॉलेज उसके अंडर भी आते हैं सोसाइटी के, तो वो भी सोशल वेलफेयर आपका काम कर रही होती है। इसी तरह कैदियंस एथलीट एंड स्पोर्ट्स क्लब है जो ये आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह सारी जो है वो उसके अंडर होती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इवेंट्स दैट ओकर इन द कॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका एडमिशन होता है तो सबसे पहले व्हाइट कोट सेरेमनी होती है आपकी, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स खुद अपने यानी कुछ टाइम जो स्पेंड हो जाता है कॉलेज में बैच पार्टी अरेंज करते हैं, उसका फिर रीजन पार्टी होती है, जिस रीजन का भी होता है तो उसकी डिस्ट्रिक्ट पार्टी वगैरह कराई जाती है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका फन फेयर यहाँ पे है, स्पोर्ट्स वीक पूरा चलता है। इस तरह जो कैब सोसाइटी है उसका अपना एक इवेंट होता है कैदियंस एनुअल फेस्टिवल, वो भी पूरा दिन 3-4 दिन का चलता है, उसके अंदर फोटोग्राफी कंपटीशन होता है, स्केचिंग कंपटीशन होता है, पेंटिंग कंपटीशन एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर QD कैंप्स का भी एक पूरा इवेंट होता है, इसमें अगर मूवी नाइट आपकी आ जाती है, आपका कार्निवल आ जाता है, डांस कंपटीशन आपका आ जाता है, और कॉन्सर्ट होता है बहुत अच्छा। और QLS जो है कैदियंस लिटरेरी सोसाइटी, इसका मैं पहले बताना भूल गया, ये डिबेटिंग कॉम्पिटिशन हो गए, इसके मुशायरे, इस तरह ये इवेंट्स ये अरेंज करें। फर्दर मोर जो IMS इकरा मेडिकल सोसाइटी है, ये भी फंड रेजिंग इवेंट्स कराती है, जिस टाइम में स्टॉल वगैरह लगते हैं, इससे जो कलेक्शन अमाउंट होती है वो नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए यूज़ होती है। और PSL जो फाइनल होता है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इस तरह मूवी नाइट ये इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। नाउ आई विल कम टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, डेट इज़ के हॉस्टल लाइफ। अब हॉस्टल लाइफ सुनते सबसे पहले बात जेन में यही आती है कि रैगिंग या फूलिंग होती है कि नहीं होती है। मैं पहले बता दूं कि रैगिंग या फूलिंग यहाँ होती है दोनों हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में भी होती है, गर्ल्स हॉस्टल में भी होती है। अब बॉयज़ हॉस्टल में होती है थोड़ी सी है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लड़के हो। जो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते उनकी ज़्यादा फूलिंग नहीं होती, वो हल्का फुल्का इंट्रैक्शन करने के लिए सीनियर्स आपसे फूलिंग करती हैं। और इसके बेनिफिट आगे जाके आपको ही होता है, जितना अच्छा इंट्रैक्शन होगा सीनियर के साथ आपको उतनी अच्छी गाइडेंस वगैरह मिल जाती होती है। और बाकी हॉस्टल के रूम्स की बात की जाए तो जो फर्स्ट ईयर में आते हैं आप नए स्टूडेंट्स, तो उनका एक कमरा जो है एक कमरे में तकरीबन 4 बॉयज़ होते हैं, 4 लड़कों का अकोमोडेट एक ही कमरे में किया जाता है। और कमरा को ये यानी ना आपको अब ये मतलब सोच के आइएगा कि आपको बेड मिलेगा, आपको स्टडी टेबल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे खाली एक रूम आपको दे दिया जाता है, इसके अंदर मैट्रेस वगैरह, आपका पिल्लो वगैरह, आपको अपना कूलर जो सबको खुद लगाना पड़ता है।
एसी की आपको परमिशन नहीं होती लगाने की, लेकिन जो ओवरसीज सीट्स पे आते हैं स्टूडेंट्स उनका तीक हाल है, हॉस्टल है, वो वहाँ पे एसी वगैरह लगा सकते हैं। जो पाकिस्तान के अपने रेजिडेंट हैं वो एसी नहीं लगा सकते, कूलर लगा लें तो यानी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इसमें। और भवलपुर की अगर सिटी की बात की जाए तो ये काफ़ी गर्म शहर है, क्योंकि साथ ही डेजर्ट आपको चोलिस्तान डेजर्ट सारे लगता है, तो यहाँ पे गर्मियाँ यानी काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद की साइड से आ रहे हो तो वहाँ तो ये होता है ना कि थोड़ी तरह गर्मी पड़ी, दो तीन दिन तो बारिश हो जाती है, यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे दिन काफ़ी गर्म होते हैं, गर्मी में रातें यहाँ फिर भी सही हैं, क्योंकि साथ ही डेजर्ट है तो रातें यहाँ की ठंडी हैं यहाँ। और हॉस्टल की मेस की बात की जाए तो उसका ये होता है हिसाब कि आपको मंथली 5000 पे करना होता है, तो आपको लंच और डिनर जो है वो हॉस्टल के मेस ही आपको प्रोवाइड हो जाता है। क्वालिटी फ़ूड की जो है वो शुरू में अच्छा आपको देते हैं वन या टू मंथ्स के लिए, उसके बाद भी क्वालिटी ख़राब होने शुरू हो जाती है उनकी, तो फिर ये होता है कि कुछ बच्चे बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं या फिर बाहर रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। फूड पॉइंट अभी अवेलेबल है भवलपुर में, या वहाँ से ऑर्डर कर लो या खुद ही बाहर जाके किसी भी रेस्टोरेंट से आप खा सकते होते हैं। साथ में आपको ये भी बताता जाऊं कि जो यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका हॉस्टल थोड़ा सा हट के कॉलेज से, तकरीबन यानी 4 to 5 minutes की ड्राइव पे होता है कॉलेज हट के, जो बाकी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के हॉस्टल हैं वो बिल्कुल कॉलेज के एरिया के अंदर ही हैं। अब वो इतने मसले की बात नहीं, क्योंकि कॉलेज की बस खुद आती है आपको पिक करने भी और ड्रॉप करने भी हॉस्टल से, यानी सेकेंड ईयर जब आप आए होते हो तो फिर आप कॉलेज के एरिया के अंदर जो हॉस्टल हैं उनमें आप आए थे फैसल हॉल में, वो भी कॉलेज के अंदर ही आए थे। अब तरह जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपको अब्बास मंजिल हॉस्टल में स्टे कराया जाता है, जिसमें आप एक रूम में चार होते हैं। इसमें सेकंड ईयर में आ जाओ तो फिर फैसल हॉल होता है, उसमें एक रूम में तीन होते हैं। इसमें फिर थर्ड ईयर में आओ तो जौहर हॉल में, वो ट्राई सीटेड भी है बाई सीटेड भी। इसमें फाइनल ईयर में जब पहुँच जाते हो तो गजाली हॉल हॉस्टल होता है, तो उसमें आप एक रूम में एक पर्सन सिंगल। और इन्वायरमेंट की बात की जाए तो जो मोस्टली आपके इर्द के लोग होते हैं वो यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो लोअर पंजाब के होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली मुल्तानी होते हैं। अपर पंजाब से यानी लाहौर इस्लामाबाद फैसलाबाद के यानी काफ़ी थोड़े स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, यानी कि हर ईयर में तकरीबन 7 to 8 लाहौर के होते हैं, 3 to 4 इस्लामाबाद के होते हैं, इसी तरह होते हैं, यानी मोस्टली यहाँ मेजोरिटी जो है वो लोअर पंजाब की होती है। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल के वाई शुड यू चूज़ QMC ओवर द अदर कॉलेजेस, इसमें यह है कि जो इसका हॉस्पिटल है भवलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, यानी जो एक्सपोजर पेशेंट्स का आपको यहाँ पे मिलेगा वो किसी और हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलना, यानी अगर सियालकोट या फिर आप गुजरांवाला इन कॉलेज या साईवाल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वो एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है इसमें, और क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सारा जो पेशेंट है लोअर पंजाब का मोस्टली या तो निफ्टे हॉस्पिटल आता है या फिर विक्टोरिया हॉस्पिटल आता है। प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, यानी क्लिनिकल साइड आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है यहाँ पे, ये हो गया। और दूसरी बात यह है कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, एस कम्यूटी यानी गुजरांवाला या साइबल मेडिकल कॉलेज जो कि यानी सिटी से थोड़ा हट के हैं, तो ये इस तरह नहीं, बिल्कुल सेंटर और सिटी में है, सारी कमर्शियल चीज़ें आपके कॉलेज के साथ यानी अवेलेबल हैं आपको, ये है। और इसके बाद हॉस्टल में ये होता है कि हॉस्टल में स्पोर्ट्स यहाँ पर रेगुलर होते हैं, यानी कि हर ईयर के फुटबॉल मैचेस, क्रिकेट मैचेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल भी है कॉलेज का, जिमनेजियम भी है कॉलेज का अपना, बैडमिंटन कोर्ट है आपका, और आपके लिए स्क्वाश कोर्ट भी है, ठीक है। इस तरह टेनिस का भी आपके रेगुलर गेम्स यहाँ पे हॉस्टल में हो जाती हैं। और ये है कि जो गर्ल्स का हॉस्टल है, पहले बताना भूल गया, उसमें यह कि 7 PM के बाद यानी हॉस्टल बंद हुए तो उसके बाद गर्ल्स आउट ऑफ द हॉस्टल नहीं जा सकते, लेकिन बॉयज़ का ये है कि वो पूरी रात दिन जब मर्जी आए जाएँ, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती। हाँ, शुरू में जब आप फर्स्ट ईयर नए आते हो तो वन टू मंथ्स के लिए आपको उसकी स्ट्रिक्टनेस होती है कि हमें 10 PM के बाद बाहर नहीं जाना, ताकि फुल वगैरह आपसे बच सकें, ये होता है। और साथ में आपको एट द एंड ये भी बताता जाऊँ कि अगर आप अपर पंजाब से, लाइक मैं लाहौर से था, मेरे QMC भवलपुर मेरा मेरिट बना था, अगर अपर पंजाब से लाहौर इस्लामाबाद से हो तो शुरू में आपको एडजस्ट होना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सोचते आते हो कि यानी अपर पंजाब से यानी मामले बहुत कम होते हैं, सारे यहाँ पे आपके लोअर पंजाब के होते हैं, तो उनमें एडजस्ट करने शुरू में आपको काफ़ी टाइम लग जाता होता है, लेकिन एज अ टाइम पास यू गेट यूज टू इट। तो इसी तरह अगर आप अपर पंजाब से हैं तो ये कुछ चीज़ें आपको कंसिड्रेशन में लेनी पड़ेंगी कि डिस्टेंस इसका यानी लाहौर से 5 hours है भवलपुर का, और अगर इस्लामाबाद से आप तो 7 to 8 hours आपको लग जाते हैं। और इसके हॉस्टल जो हैं अगर कंपेरिजन किया जाए QMC के हॉस्टल का साईवाल या सियालकोट या गुजरांवाला, तो उनके मुकाबले में थोड़ी लो स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो ज़रा नए बने हैं, ये ज़रा पुराना बना, 1971 का बना, उसका रेनोवेशन इसकी नहीं हुई है, तो ये है। और इसके अलावा फिर जो लोअर पंजाब से हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है ना QMC, क्योंकि लोअर पंजाब की या तो वहाँ प्रेफर करती हैं निश्तर को या उसके बाद फिर QMC करते हैं, और जो उसके अपने यानी डे स्कॉलर्स होते हैं यानी मतलब QMC ही आएंगे। तो आई होप हर चीज़ आपको क्लियर होगी होगी, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह क्यूरी हो तो यू कैन कमेंट।